हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, चखने से पचने तक, दैट मीन्स टेस्टिंग टू डाइजेशन। ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जिसमें साइंस या फिर ईवीएस आती है। चाहे कितने भी मार्क्स में आती हो, वन बाय वन हम इसमें सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी चैप्टर 3, टेस्टिंग टू डाइजेशन। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही करने वाले हैं। यहाँ पे एक बच्ची है, उसकी मम्मा या उसकी फ्रेंड क्या करती हैं, उसको कुछ चीज़ें टेस्ट कराती हैं उसकी आंखों पे पट्टी बांध के, और उस बच्ची को उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आंख बंद करके स्वाद पहचानो। आंख बंद करके आप भी क्या कर सकते हैं, स्वाद को पहचान सकते हैं। देखो, ये हमारी टंग है। जो हमारे टंग का आगे वाला पोर्शन होता है, उसमें हम स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को पता कर पाते हैं, किस किस को स्वीट हो या फिर सॉल्टी हो, मीठा हो या फिर नमकीन हो। और ये जो साइड वाले पोर्शन होते हैं, ये बगल वाला हिस्सा भी हम इसको ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, यहाँ पे सोर मतलब खट्टा, कौन सा टेस्ट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के आगे के हिस्से में हम कौन से टेस्ट को पता कर पाते हैं, तो स्वीट और सॉल्टी, और जीभ के साइड वाले हिस्से में हमें कौन से टेस्ट का पता चलता है, सोर मतलब खट्टा, और जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है उसमें हम कौन से टेस्ट को पता कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हमारी जो टंग होती है उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मतलब जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है कि जो हम फूड खा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें कैसा टेस्ट है। जो टंग के पीछे वाला हिस्सा होगा उसमें कौन सा टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट को पता करेगा। तीन चीज़ें हैं, फ्रंट वाला जो सबसे आगे का पार्ट होगा स्वीट सॉल्टी, साइड वाला सोर मतलब खट्टा, बैक वाली साइड पे बिटर मतलब कड़वा। आप खाने को चबा चबा कर खाते हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसे हमें काफ़ी चबा के खाना चाहिए ताकि जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये किस चीज़ की पिक्चर है, फूड डाइजेशन के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से माउथ से हम फूड लेते हैं और अंदर जाके हमारे ये फूड पाइप से जाते हुए हमारे स्टमक में जाता है, फिर ऐसे ये पूरा फंक्शन हमारे फूड से, फिर वे जो फूड है फिर वो डाइजेस्ट होता है और फूड आउट हो जाता है। इसका जो मेन पोर्शन है वो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, अभी नहीं करना है ये हमें। देखो, नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, C6H12O6, C6H12O6। नीतू को पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे, उफ कुछ भी खाया खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोल कर पीने के लिए दिया। क्या दिया उसके पिताजी ने उसे, पानी में नमक और चीनी घोल कर पीने के लिए दिया। आपको ये चीज़ पता भी होगी कि जब किसी को उल्टी या दस्त हो जाते हैं तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम उस पर्सन को पानी में चीनी या नमक घोल कर देते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। कहानी खिड़की वाले पेट की। अब ये क्या है, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के बिना खेल बातें जान ली उसने खेत भेद की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। यहाँ पे क्या है, एक मार्टिन नाम का एक फौजी है जिसके पेट में गोली लग गई है और वो डॉक्टर के पास गया है अपना इलाज कराने के लिए। पर वो डॉक्टर क्या करता है, वो इलाज तो करता ही है, साथ में उसके पेट में वो झांका ताकी भी करता है कि इसके पेट में है क्या क्या। सो लेट्स सी कहानी पेट में झांका जाना भेद। पेशेंट कौन है, मार्टिन। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 में 18 साल का था
और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर बोमोंट। और पेशेंट का नाम क्या है? मार्टिन। कितने ईयर्स का था? 1822 में वो 18 ईयर का था। मार्टिन कौन था? एक फौजी था जिसको गोली लग गई थी। और ये जो डॉक्टर है ये क्या करता है, इस पेट के साथ प्रयोग करने में इसको 9 साल लगते हैं, क्योंकि उसके पेट में थोड़ा सा छेद रह जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें झांकाता की करता है कि पेट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कितने टाइम में डाइजेस्ट होती है, और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे किस चीज़ का कितना फंक्शन होता है। तो जब इस इन सब चीज़ों को उसे सर्च करने में 9 साल का टाइम लग जाता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाले, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस निकाले, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। और हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है? लगभग 30 सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से गल चुके थे। फिर उन्होंने उसी तरह के कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा, वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितने देर लगी? जब कोई भी फूड मार्टिन के पेट में पचाया जा रहा था तो वो थोड़ा कम टाइम ले रहा था, और जब उन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल के किसी गिलास में और वो फूड डाला जा रहा था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो हमारे यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली चीज़ है, जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, जो उसने डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि पेट में के अंदर जो चीज़ें थी वो कितना टाइम ले रही थी, और जब उसने ग्लास में वही डाइजेस्टिव जूसेस को रखा तब कितना टाइम ले रहा था। जैसे कच्चा दूध है, कच्चा दूध पेट में पचने में कितना टाइम ले रहा था? 2 घंटे 15 मिनट। और गिलास में अगर वो पाचक रस में रख रहा था कच्चे दूध को, तो वो 4 घंटे 45 मिनट का टाइम लगा रहा था। आप सारे ही एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेट में कम टाइम में चीज़ें पच जा रही थी, गिलास में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे ये भी देख पाए, जब मार्टिन दुखी या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पच पाता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है। कैसे, किसकी तरह होता है? एसिड की तरह होता है, अम्ल या फिर एसिड। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या फिर खाना ठीक से पचा नहीं हो? एसिड होता है हमारे स्टमक में, और कौन सा एसिड होता है? HCl, या फिर हम बोलें इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप कहोगे एसिड है तो हमारा पेट जल जाएगा? नहीं, बट ये हेल्पफुल होता है एसिड हमारे फूड को पचाने में, डाइजेशन में। ये थोड़ी अमाउंट में होता है, जिससे जो हमारा जो भी कुछ हम फूड का इंटेक करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो फूड में, फूड का टाइम जो हमारा स्टमक होता है उसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे ये दो बच्चों की स्टोरी सुनाई गई है, रश्मि जो कि 5 साल की है, 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले हैं और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती, खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या फिर एक आध रोटी ही मिलती है, तो समझो उस दिन बहुत मिल गया। मतलब इसको खाने की कमी है, इसको खाना जो है प्रॉपर डाइट इसको नहीं मिल रही है, जितनी अमाउंट में इसकी बॉडी को नीड है उतना इसे खाना नहीं मिल रहा है। तो ये किस चीज़ की शिकार है? माल न्यूट्रिशन की, दैट मीन्स कुपोषण की। एक तरफ ये पिक्चर है जो कैलाश है, 7 साल का, उम्र में बड़ा है, शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना क्या खाता है ये? घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये सब दे दो तो यही सब खाता है। तो एक तरफ रश्मि है जिसको खाना नहीं मिल रहा, और एक तरफ कैलाश है जिसको इतनी डाइट मिल रही है, बट स्टिल वो क्या है? फुर्तीला नहीं है। तो क्यों? रश्मि जो है वो माल न्यूट्रिशन की शिकार है, और जो कैलाश है ये ओवर न्यू
जो हमें फूड चाहिए होता है वो हमारा प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। जैसे फूड में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। अगर प्रॉपर अमाउंट में होंगी तभी हमारी जो डाइट होगी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी और जो बॉडी में ये सारी होने वाली प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होंगी। लास्ट में एक ये चीज़ दी गई है, यहाँ पे एक लेडी की पिक्चर बनी है और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कालाहांडी ज़िला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा जैसे उड़ीसा दे दिया और उसके अंडर कुछ ज़िलों के नाम दे दिए कि ये उड़ीसा में कौन सा ज़िला आता है, तो कौन सा, कालाहांडी ज़िला। 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है, इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती है। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता, फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर उसे काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, तो कालाहांडी में क्या है, सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब बच्चे या मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धन धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि जो कालाहांडी जगह है यहाँ पे इतनी मात्रा में चावल होता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है, बट स्टिल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनको भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है कि जो वहीं के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है और वो कैसे काम चला रही है, जंगल के पेड़ों की पत्तियाँ या फिर जड़ें खाकर काम चलाना पड़ रहा है। तो जब किसी भी पर्सन को प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिलता या फिर उसकी जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो किसका शिकार हो जाता है, माल न्यूट्रिशन का। इस चैप्टर में बस इतनी ही चीज़ें हैं कि जो डाइजेशन तक है, जैसे हमने कोई भी चीज़ें टंग में लिया तो टंग के किस पोर्शन से हमें कौन सा टेस्ट पता चल रहा है, स्टमक है तो स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इम्प्रॉपर डाइट से या फिर ज़्यादा खाने से हमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर क्यों होता है ऐसा, माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, कुपोषण की वजह से, या फिर अगर हम बैलेंस डाइट्स को नहीं ले रहे होते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है, नेक्स्ट चैप्टर 4 के लिए न्यू वीडियो आएगी, आप उसको देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। बाय एवरीवन।